अब हम लोग देखेंगे पहला डेटा मॉडल, दैट इज ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओके, ये हमने लिखा है ओएसआई इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। और इस मॉडल को स्टैंडर्डाइज किसने किया है? आईएसओ ने। आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये बात याद रखना, आईएसओ ने स्टैंडर्डाइज किया है ओएसआई मॉडल को। तो ओएसआई मॉडल है और आईएसओ हमारी स्टैंडर्डाइजिंग यू कैन से एजेंसी है जिसने इसको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ओपन सिस्टम का यहाँ क्या मतलब है? जैसे हम बोल रहे हैं ना ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो ओपन सिस्टम का मतलब है कि कोई भी दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइन आर्किटेक्चर। उनका आर्किटेक्चर कैसा भी हो इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब पेंटियम 4 आपका यू कैन से किसी कंप्यूटर में है सीपीयू और किसी दूसरे कंप्यूटर में सीपीयू है, मान लेते हैं डुअल कोर है या कोर टू डुअल है, मतलब हार्डवेयर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आपस में कम्युनिकेशन चलेगा। और इवन सॉफ्टवेयर पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब विंडोज कोई किसी सिस्टम में विंडोज है और दूसरे सिस्टम में यूनिक्स है तो फिर भी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। ठीक है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ओपन सिस्टम। तो हमने लिखा है कि ओपन सिस्टम हियर मींस दैट टू सिस्टम कैन कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कैसा भी हो, मतलब दोनों टर्म्स में हमें देखना है, खाली हार्डवेयर या खाली सॉफ्टवेयर टर्म्स में नहीं, दोनों के टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, ओके। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ना हर एक नेटवर्क मॉडल में लेयरिंग का कंसेप्ट होता है, तो ऐसे ही ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। जैसे मैंने सेंडर और रिसीवर बनाया, बीच में एक हमने ये नोड दिखाई है, ये नोड को मैं आगे चल के नाम भी दूंगा, मैं फिलहाल बोल देता हूँ चलो राउटर है ये। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज अ राउटर। तो देखो कैसे कम्युनिकेशन होगा, तो 7 लेयर्स पहले तो देखो कौन कौन सी है। लेयर नंबर 1 होती है फिजिकल, लेयर नंबर 2 डेटा लिंक, लेयर नंबर 3 नेटवर्क, देन ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन। ठीक है, तो सेंडर जो भी मैसेज जनरेट करेगा वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू जाएगा, मतलब यू कैन से एप्लीकेशन लेयर एक इंटरफेस दे रही है जिसकी हेल्प से सेंडर या रिसीवर नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। तो ये इंटरफेस एप्लीकेशन लेयर ने दिया, तो मैसेज सेंड किया, तो धीरे धीरे करके आप समझो ऐसे ये चलता जाएगा लेयर बाय लेयर, मैसेज आगे आगे जाता जाएगा, वो पैक होता जाएगा। ठीक है, पैक होना मतलब इन द सेंस जो लेयर्स हैं वो हेडर या ट्रेलर या कुछ भी जो भी उनको ऐड करना होगा समथिंग कुछ कुछ वो ऐड करती जाएंगी। ठीक है, तो लेयर्स ऐड करेंगी तो धीरे धीरे यू कैन से मैसेज पैक होता जाएगा। पैक होने के बाद वो यू कैन से नोड पे आया, नोड में ये फिजिकल लेयर से आया, फिर डीएलएल, फिर नेटवर्क एक किस्म से अनपैक हुआ, फिर इसने दोबारा से पैक कर दिया, मतलब नेटवर्क डीएलएल फिजिकल, और फिर पैक होने के बाद ये वापस अपना यू कैन से रिसीवर के पास आएगा, और रिसीवर के पास फिजिकल से डीएलएल नेटवर्क ट्रांसपोर्ट ये सब होते होते अनपैक होके फाइनली रिसीवर डेटा को रिसीव कर लेगा। ठीक है, समझ लो, यहाँ से पैकिंग होती जा रही है और यहाँ से अनपैकिंग होती जा रही है। जैसे आप ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाते हैं तो पैक होता है ना एक डब्बा, फिर उसके अंदर एक और डब्बा, फिर एक और डब्बा, मतलब अगर बहुत यू कैन से मतलब कोई आइटम ऐसी है जो बहुत जल्दी टूट जाएगी तो उसके लिए बहुत सारे पैकिंग करके भेजते हैं ना वो लोग, तो वही है किस्म से आगे आगे पैकिंग होती जा रही है और यहाँ पे धीरे धीरे अनपैकिंग होती जा रही है। ठीक है, अच्छा, लेयर्स के ना कुछ कुछ फंक्शंस हैं वो मैं आपको आगे चल के अभी बताऊंगा, बट फिलहाल अगर आपको ये सब याद नहीं रहता कि कौन सी लेयर नंबर और उसका नाम क्या है, जैसे मेरे को बीटेक में बहुत प्रॉब्लम होती थी जब मैं पढ़ रहा था अपने स्टडीज के टाइम पे कि इनको याद कैसे रखना है, तो मैंने तो एक स्टाइल बना रखा था कि आप पापा से तो नहीं डरते पप्पू। ठीक है, तो ये पहले लेटर आप उठा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ स्टाइल आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, अगर मेरा स्टाइल अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपना भी कोई बना सकते हैं, बट इनको याद रखना पड़ेगा आपको, मतलब सीरियल ऑर्डर में अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं अभी सारे लिख दूंगा, बट एक दो पॉइंट्स मेरे मन में आ रहे हैं तो मैं पहले बोल देता हूं उनको और उसके बाद लिखूंगा, तो फिर आप लोग उसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो। तो नेटवर्किंग में ना मेरी थोड़ी सी आदत ये रहेगी क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ कुछ ऐसे बोलता जाऊं फिर आपको लिखना पड़े वो सब पॉज करके और उसमें काफी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इनफैक्ट मैं पहले सारा बोर्ड पे अच्छे से लिख दूंगा, उसके बाद मैं सब चीजों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा और आप उसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपके नोट्स बहुत अच्छे और बड़े आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सब चीजें याद करनी पड़ेंगी इस सब्जेक्ट में। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है और है भी बहुत ज्यादा वास्ट, ये बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, बट मैं कोशिश करूंगा बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा वास्ट इसको ना बनाऊं क्योंकि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नो डाउट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट गेट इज नॉट अबाउट थ्योरी, इट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। ठीक है, तो कंसेप्ट में हम बहुत डिटेल में जाएंगे, थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, ओके,
तो कुछ कुछ पॉइंट्स हमें मैं बता देता हूं आपको। जैसे देख लो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मैंने ये एक लाइन डाली है, इसका क्या मतलब है कि एप्लीकेशन लेयर सेंडर की, एप्लीकेशन लेयर रिसीवर की, ये आपस में कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। एज ई प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन के बीच में लाइन है, दैट मींस ये लेयर प्रेजेंटेशन सेंडर और प्रेजेंटेशन रिसीवर ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिक मीनिंग क्या है कि लेयर एक्स ऑन वन मशीन विल कम्युनिकेट विद लेयर एक्स ऑन अनदर मशीन। जैसे मैं बात करूं सेशन लेयर, तो सेशन लेयर ऑन सेंडर विल कम्युनिकेट विद सेशन लेयर ऑफ रिसीवर, ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, और विद इन ईच मशीन ईच लेयर गिव्स सर्विसेज टू द लेयर जस्ट बिलो इट एंड टेक सर्विसेज फ्रॉम द लेयर जस्ट अब। जैसे हम सेशन लेयर की बात करते हैं तो कॉमन सेंस से सोचो सेशन लेयर क्या करेगी, सेशन लेयर विल टेक सर्विसेज फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर एंड गिव सर्विसेज टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो विद इन ईच मशीन ईच लेयर टेक सर्विसेज फ्रॉम द लेयर जस्ट अबव इट एंड गिव सर्विसेज टू द लेयर जस्ट बिलो इट, ठीक, ये बेसिक से पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, और मैं बोल रहा हूं कि लेयर जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर ऑन सेंडर इज कम्युनिकेटिंग विद ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ रिसीवर, एक्चुअली लेयर्स तो कम्युनिकेट नहीं कर सकती ना, लेयर्स तो हमने यू कैन से कंसेप्ट बोला है या यू कैन से ग्रुप ऑफ फंक्शंस को हमने एक लेयर बोल दिया है, तो एक्चुअली तो उसमें प्रोसेसेस होंगे जो आपस में कम्युनिकेट करते होंगे, मतलब आप समझ रहे हो लेयर तो एक कंसेप्ट है ना, इमेजिनरी कंसेप्ट है, तो लेयर की आपस में कम्युनिकेट करेंगी, लेयर के अंदर बैठे प्रोसेसेस होंगे ना जो कम्युनिकेट करेंगे। प्रोसेसेस का मतलब क्या है, हमने प्रोग्राम लिखे होंगे सी लैंग्वेज में, जावा में, या जिसमें भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे होंगे, तो प्रोग्राम को अगर हम रैम में लेके आ रहे हैं तो हम उसको प्रोसेस बोलते हैं ना, तो वही चीज है कि विद इन ईच लेयर हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोसेसेस होंगे जो जैसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज कम्युनिकेटिंग विद प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ रिसीवर, ठीक है। सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर पे कोई प्रोसेस होगा जो रिसीवर ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोसेस के साथ आपस में कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर प्रोसेसेस। पीयर का यहां मतलब क्या है, पीयर का बेसिक मतलब है कि जैसे ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो कल को ये सेंडर और ये रिसीवर भी बन सकता है, मतलब इन द सेंस बोथ हैव सेम स्टैंडर्ड्स, ठीक है, सेंडर और रिसीवर दोनों का स्टैंडर्ड एकदम सेम है, ठीक, ओके। अब मैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं वो सारे फटाफट से लिख देता हूं ताकि आप लोग उसको आराम से नोट डाउन कर सको। तो जो पॉइंट्स थे वो मैंने फटाफट लिखे हैं, देखो विद इन ईच मशीन ईच लेयर यूजेस सर्विसेज फ्रॉम द लेयर जस्ट अबव इट एंड गिव सर्विसेज टू द लेयर जस्ट बिलो इट, ठीक है, हमने भी देखा था पॉइंट ये। बिटवीन टू मशीन्स लेयर एक्स ऑन वन मशीन कम्युनिकेट विद लेयर एक्स ऑन अनदर मशीन, प्रोसेस ऑन ईच मशीन दैट कम्युनिकेट एट गिवन लेयर आर नोन एज पीयर टू पीयर प्रोसेसेस। और ये मैंने बताया था ना कि क्योंकि लेयर्स हम बोल रहे हैं कि लेयर कम्युनिकेट कर रही है, बट लेयर नहीं, एक्चुअली में प्रोसेसेस कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो वो हमने पॉइंट लिखा है। उसके बाद द वर्ड पीयर, पीयर का मतलब मैंने क्या बताया था, सेम स्टैंडर्ड है या सेम प्रिविलेजेस है, मतलब आज ये सेंडर ये रिसीवर, तो कल को ये रिसीवर ये सेंडर भी हो सकता है, तो लिखा है हमने द वर्ड पीयर मीन्स सेम स्टैंडर्ड और सेम प्रिविलेजेस, दैट मीन्स सेंडर कैन बिकम रिसीवर एंड वाइस वर्सा, ठीक, ओके। अच्छा, अब कुछ कुछ पॉइंट्स और हैं वो मैं फटाफट बोल देता हूं। देखो एप्लीकेशन लेयर और फिजिकल, ये दोनों लेयर ऐसी हैं जो कुछ ऐड नहीं कर रही हैं, यू कैन से या हेडर और ट्रेलर ऐड नहीं कर रही हैं, बट बाकी लेयर्स जो हैं, मतलब लेयर नंबर 6543, ये जैसे हमने लिखा है 6543 इज योर प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क, एड ओनली हेडर, बट लेयर टू एड हेडर एज वेल एज ट्रेलर, ठीक है। मैं एक बार पहले पॉइंट पढ़ लेता हूं, एक्सेप्ट एप्लीकेशन एंड फिजिकल लेयर ऑल लेयर एड इट्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हेडर और ट्रेलर टू द पैकेट, ठीक है, पैकेट को पैकेट में हेडर या ट्रेलर ऐड करेंगी हर एक लेयर्स, बट कौन सी ऐड नहीं करती है, एक एप्लीकेशन और एक फिजिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेयर 6543 एड्स ओनली हेडर, बट लेयर 2 एड हेडर एज वेल एज ट्रेलर, ठीक है। तो 6543 मतलब आप समझ रहे हो प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क, ये तो सिर्फ हेडर ऐड करती है, लेकिन लेयर नंबर 2 स्पेशल है, लेयर नंबर 2 हेडर एज वेल एज ट्रेलर दोनों ऐड करती है। लेयर 2 कौन सी थी, डेटा लिंक लेयर, ठीक है, ओके। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर डज नॉट एड हेडर और ट्रेलर बिकॉज इट ओनली प्रोवाइड इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ विच यूजर कैन एक्सेस नेटवर्क, ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एप्लीकेशन लेयर ने कोई हेडर या ट्रेलर ऐड नहीं किया क्योंकि एक्चुअली एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है जिसकी हेल्प से यूजर नेटवर्क को एक्सेस करता है, यूजर मतलब आप समझ सकते हैं सेंडर या रिसीवर जो भी होगा, अच्छा, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि फिजिकल लेयर डज नॉट एड हेडर और ट्रेलर बिकॉज इट मेनली डील्स विद ट्रांसफरिंग सिग्नल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है।
फिजिकल लेयर ने कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि बेसिकली इसका काम है सिग्नल्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है, इसलिए इसने हेडर या ट्रेलर ऐड नहीं किया, ठीक। ओके, जो पॉइंट्स हमने अभी देखे हैं उसको मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं। देखो, एप्लीकेशन लेयर ने मैसेज जनरेट किया, दिस इज आवर सेंडर साइड, ठीक है, ये सेंडर साइड है और ये रिसीवर साइड है। तो सेंडर साइड में एप्लीकेशन लेयर ने मैसेज जनरेट करा, उस मैसेज के साथ प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या ऐड करा, अपना हेडर, इसको हम बोल रहे हैं हेडर प्रेजेंटेशन। सेशन लेयर ने क्या किया, ये पूरा एज इट इज सेशन लेयर के पास आया, तो सेशन लेयर ने अपना हेडर ऐड कर दिया, इट इज हेडर सेशन। उसके बाद फिर ये पूरी चीज एज इट इज ट्रांसपोर्ट लेयर पे आई, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर ट्रांसपोर्ट ऐड कर दिया। फिर ये एज इट इज नेटवर्क लेयर के पास आई, नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर नेटवर्क ऐड कर दिया। और ये पूरा एज इट इज डीएलएल के पास की, तो डीएलएल मैंने आपको बताया था ना लेयर नंबर टू स्पेशल है, वो हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड करती है, तो इसलिए हमने लिखा हैडर डेटा लिंक और ट्रेलर डेटा लिंक, ठीक है। तो पॉइंट याद आ रहा है ना, लेयर नंबर देखो 6543 हेडर ऐड कर रही है, बट लेयर टू स्पेशल है जो कि हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पूरा यू कैन से जो पैकेट है ये फिजिकल लेयर पे गया और फिजिकल लेयर ने इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर रिसीवर ने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसने एज इट इज पैकेट डेटा लिंक लेयर को दिया। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, अब हेडर डेटा लिंक और ट्रेलर डेटा लिंक ये दोनों हटा देगी और मैसेज ये जो पैकेट था ये पैकेट नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड कर देगी। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, अब अपना हेडर नेटवर्क हटा देगी और पैकेट फॉरवर्ड कर देगी ट्रांसपोर्ट को। तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगी, अपना हेडर ट्रांसपोर्ट हटा देगी और पैकेट सेशन को भेज देगी, सेशन अपना हेडर सेशन हटा देगी और पैकेट भेज देगी प्रेजेंटेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन अपना हेडर प्रेजेंटेशन हटा देगी और एप्लीकेशन लेयर को प्रॉपर मैसेज फॉरवर्ड कर देगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, यही मैंने बताया था ना, सेंडर साइड पे पैकिंग होती जा रही है और रिसीवर साइड पे देखो अनपैकिंग होती जा रही है, तो एक एक करके हेडर हटते जा रहे हैं और आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर को पैकेट रिसीव होता जा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वो सब चीजें मैं आपको मतलब और भी मेरे मन में आ रही है बातें, बट एक्चुअली नेटवर्क सब्जेक्ट ना बहुत बड़ा है और काफी थ्योरेटिकल है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा, बट फिर भी एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। डेटा लिंक लेयर पे ना पैकेट को हम लोग फ्रेम बोलेंगे, तो जब भी फ्रेम की बात आए तो समझ लेना हम लोग डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं। नेटवर्क लेयर पे हम लोग पैकेट को बोलेंगे डेटाग्राम, तो जब भी डेटाग्राम वर्ड यूज हो तो समझ लेना नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है हम उस पे बोलते हैं यूजर डेटाग्राम, ठीक है, यूजर डेटाग्राम भी बोल सकते हैं तो और सेगमेंट भी बोल सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन प्रोटोकॉल। तो ज्यादा बातें मैं अभी नहीं करता, अभी सिर्फ आपको नाम नाम बता रहा हूं ताकि थोड़ी थोड़ी चीजें ना आपके माइंड में धीरे धीरे फिट होती जाए। तो फ्रेम वर्ड यूज करें तो समझ लेना डेटा लिंक लेयर की बात चल रही है, डेटाग्राम की बात करी जाए तो समझ लेना नेटवर्क की बात हो रही है, नेटवर्क लेयर की पैकेट की बात हो रही है, यूजर डेटाग्राम बोला जाए तो समझ लेना ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है, सेगमेंट भी मेरे मन में आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ, चलो सेगमेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है आपको, चलो मैं थोड़ा थोड़ा और बोलता हूँ। यूडीपी अगर हम लोग यूज करेंगे तो यूजर डेटाग्राम बोला जाएगा और टीसीपी अगर हम लोग यूज करेंगे तो सेगमेंट बोला जाएगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है नेटवर्किंग का, मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ आइडिया नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है वर्ड्स बोलने में, तो मैं धीरे धीरे करके सारे वर्ड्स बोलूंगा, ठीक है। ओके, तो आई थिंक क्लियर है इतना, अब कुछ और बातें हैं मैं वो फटाफट लिख लेता हूँ फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। जो ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स है ना, हम उनको 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप होगा लेयर नंबर 1, 2 और 3 का। लेयर नंबर 1 कौन सी थी हमारी, फिजिकल। लेयर नंबर 2 थी डेटा लिंक लेयर, दैट इज डीएलएल। और लेयर नंबर 3 कौन सी थी, नेटवर्क। इन तीनों लेयर्स को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स, ठीक है। तो पहला ग्रुप मैं कौन सा बना रहा हूं, लेयर नंबर 1, 2, 3 का, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। क्यों, क्योंकि ये फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मूविंग डेटा से डील करेंगी, मतलब फिजिकली मूव करवाएंगे डेटा को फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। जैसे आपको याद हो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे सेंडर है, बीच में एक राउटर दिखाया था और रिसीवर दिखाया था, तो यहाँ पे मैंने लेयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 लेयर्स दिखाई थी, बट राउटर के केस में मैंने आपको सिर्फ 1, 2 और 3 से 3 लेयर्स दिखाई थी। क्यों, क्योंकि बेसिकली नोड या राउटर के थ्रू हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो इसलिए याद रखना एक्चुअली डेटा को मूव करवाने का काम है लेयर नंबर 1, 2, 3 का, इसलिए हम इसको बोलेंगे नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स, ठीक है, और मेनली ये हार्डवेयर की बात है सारी। अच्छा, उसके बाद है लेयर नंबर 5, 6 और 7। लेयर नंबर 5, 6 एंड 7 थी हमारी एप्लीकेशन लेयर,
लेयर नंबर सिक्स थी हमारी प्रेजेंटेशन, और लेयर नंबर फाइव थी हमारी सेशन लेयर। ठीक है, तो ये तीन लेयर्स को हम, इन तीनों लेयर्स का जो हमने सेकेंड ग्रुप बनाया है, फर्स्ट ग्रुप तो हो गया 1 2 3 का, सेकेंड ग्रुप है 5 6 7 लेयर का, इन तीनों का, तो इनको हम लोग बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। इनको यूजर सपोर्ट लेयर क्यों कह रहे हैं लेयर्स, व्हाई वी आर सेइंग देम एज यूजर सपोर्ट लेयर्स, क्योंकि ये हमें एक किस्म से इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि मैंने बोला था ना ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या था, टू सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। इसका मतलब दो डिफरेंट सिस्टम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थ्री लेयर्स। अगर ये तीन लेयर्स ना होती तो डिफरेंट सिस्टम कम्युनिकेट ना कर पाते। मतलब विंडोज और यूनिक्स के कंप्यूटर हैं हमारे पास, मतलब विंडोज वाला है और एक यूनिक्स वाला है, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो हमें इन तीनों लेयर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही तीनों लेयर्स हमें इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ओके अच्छा, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ग्रुप। और थर्ड ग्रुप है लेयर नंबर फोर का। इस लेयर नंबर फोर कौन सी थी, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिक काम है एंड टू एंड डिलीवरी का। ठीक है, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज, पूरा मैसेज एंड टू एंड अगर डिलीवर करवाना है उसके लिए हमारे पास लेयर नंबर फोर, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ये सारे ना कंसेप्ट्स हैं एक्चुअली, मतलब ये कोई बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना कैसे इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड होगी, कैसे क्या होगा, वो सब चीजें हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। अभी सिर्फ थ्योरी वाले जो पॉइंट्स है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे छोटे आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं फटाफट से उनको पढ़ देता हूँ। लेयर 1 2 3 आर नोन एज नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स बिकॉज दे मेनली डील्स विद फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मूविंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। लेयर नंबर 5 6 7 आर नोन एज यूजर सपोर्ट लेयर बिकॉज दे मेनली डील्स विद कंसेप्ट ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी, दैट इज टू डिफरेंट सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट because of these layers. ठीक, layer number 4 is used for end-to-end delivery of entire message. ठीक, okay.